हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ है ये पता कैसे चलेगा तो इसमें जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं बट ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है तो हम लोग बात करते हैं कोविड नाइन्टीन का पहले तो कोविड नाइन्टीन के क्या क्या सिम्टम्स हैं उसमें आपको बॉडी पेन होगा उसमें आपको फीवर होगा उसमें शोर थ्रोट होगा मिस जो गले में खराश होगा वो चीज़ होगा प्लस उसमें फटिक होगा ये चारों ही जो सिम्टम्स हैं ओमिक्रॉन में भी हैं तो भाई आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे तो अब दूसरा सिम्टम पे जाते हैं जैसे कि जो कोविड नाइन्टीन का प्रीवियस वर्जन था मीन्स डेल्टा वेरिएंट वगैरह उसमें जो प्रीडामेंटली कुछ और सिम्टम्स आते थे जिससे हमें पता लग जाता था कि भाई ये कोविड नाइन्टीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है वो सिम्टम क्या थे वो दो सिम्टम थे पहला लॉस ऑफ टेस्ट और दूसरा लॉस ऑफ स्मेल मीन्स आपका टेस्ट चला जाता था और स्मेल चला जाता था तब आपको एक पक्का पक्का शक हो जाता था कि भाई ये कोविड नाइनटीन हो सकता है हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए आरटीपीसीआर करवा लेना चाहिए और आप अपना टेस्ट करवा लेते थे तो आइर पॉजिटिव आता था या फिर निगेटिव आता था तो इस जो ओमिक्रॉन है उसमें तो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल तो हो ही नहीं रहा है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये ओमिक्रॉन है कि क्या है मीन्स इस तरीके के जो सिम्टम्स आएंगे ओमिक्रॉन के जो चार हमने सिम्टम्स बताए वही सिम्टम आपका नॉर्मल कफ एंड कोल्ड में भी आएगा फिर आप कैसे डिफ्रेंसीट करोगे तो इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि आपको कोविड नाइन्टीन का जो डेल्टा वेरिएंट है उसका इन्फेक्शन नहीं है बट यदि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया आपको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है कि कफ एंड कोल्ड है ठीक है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो देखेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो अभी हम लोग टॉपिक से नहीं भटकते हमारा जो टॉपिक है कोविड नाइनटीन मीन जो डेल्टा वेरिएंट या फिर उससे पहले वाले वेरिएंट और ये ओमिक्रॉन के बीच में हम लोग डिफ्रेंसिएट कैसे करना है वो चीज है तो इसमें लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल तो हो नहीं रहा है ठीक है तो अब क्या होगा इसमें जो अलग से एक सिम्टम निकल कर के आया है दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख ना लगना ओमिक्रॉन में मीन्स मैक्सिमम लोगों के साथ ये शिकायत आ रही है कि उनको उनका जो एपेटाइट है वो लॉस हो जा रहा है उनको भूख नहीं लग रहा है बट कोविड 19 के केस में देखोगे यदि आपको कोविड 19 का जो प्रीवियस वर्जन हुआ होगा डेल्टा वाला है फिर उससे पहले वाला तो आपने महसूस किया होगा कि उसमें भी हम लोगों को खाने का जो मन है वो नहीं करता है ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बिकॉज मुझे अप्रैल 2021 में कोविड 19 हुआ था तो जब डेल्टा वेरिएंट वाला होता है कोविड 19 या फिर उससे पहले वाला जो भी है तो उसमें भी खाने का मन नहीं करता है बट वहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होता है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें आदमी इतना कमज़ोर हो जाता है उसमें फटीक वगैरह जो भी होता है तो उसकी वजह से आपको क्या लगता है ना कि आप ऐसे करके ना आराम से लेटे रहो और मतलब भूख आपको लगेगा लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं हो भूख आपको लगेगा लेकिन आपको लगेगा अरे यार कौन उठे उठ करके कौन फिर खाए इतना मेहनत कौन करे इस टाइप का फीलिंग आने लगता है आपको लगता है लेटे रहो आराम करते रहो इस टाइप का फील होने लगता है जो प्रीवियस वर्जन थे कोविड नाइनटीन के उसमें बट उसमें खाने का आपको मन लग रहा होता है ऐसा नहीं कि खाने का मन नहीं लगता है आप लेटे हुए हो सोए हुए हो और आपके पास में खाने का कुछ है पीने का कुछ है तो आप खा लोगे पी लोगे लेकिन उठ करके खाना और ये सब चीज थोड़ा सा टीडियस लगता है वो चीज उसमें होता है प्रीवियस वर्जन में ये मैंने तो खुद फील किया है बिकॉज मैंने ना जो कोविड नाइन्टीन जब मेरे को हुआ था तो उसको बहुत अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व किया है बहुत सारे जो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है उसको मैं लिख करके रखता भी था और मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी बनाए तो अच्छे से उसको मैंने जिया है वो बहुत ही टफ़ टाइम था मेरे लाइफ का और वो मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा ठीक है तो अब इसमें क्या हो रहा है इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है इसमें आपको खाने का ही मन नहीं करेगा तो एक ये प्रोमिनेंट सिम्टम है कि आपको ओमिक्रॉन हो सकता है बिकॉज कफ एंड कोल्ड में भी देखा जाए तो उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होता है उसमें आपको भूख लगती है आप खाना खाते हैं उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बट जब आपको कफ एंड कोल्ड वाले सारे सिम्टम्स हो कोविड नाइन्टीन वाले रिलेटेड सिम्टम्स हो और आपका लॉस ऑफ आप एपेटाइट भी हो जाए मीन्स आपको भूख ना लगे तो आप जा के अपना आर टी टेस्ट करा लो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो और एक और चीज़ जब भी हम लोग किसी भी तरीके से बीमार पड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ठीक से खाना नहीं खाते तो उससे हमारे बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते और जब हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन जाता है हमारे बॉडी को रिकवर करने में प्रॉब्लम होता है तो वो चीज़ हमें नहीं करना है हम किसी भी तरीके का बीमार पड़ रहे हैं कोई भी बीमारी भी हो हम लोग को अपना जो डाइट है वो सही रखना है ठीक से हमें खाना खाते रहना है फिजिशियन ने जो चीज़ एडवाइस किया है वो चीज़ खाना है और इस तरीके से हम लोग एज सुन एज पॉसिबल रिकवर कर जाते हैं सो आई होप आपको इस वीडियो से ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा और आपको पता लग पाएगा कि आपको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है और टाइमली आप अपना केयर कर पाएंगे इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जैसा कि रिसेंटली हमने देखा है इंडिया में बहुत सारे कोविड नाइनटीन के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम जो है ओमिक्रॉन के आ रहे हैं और ऐसा बोला जा रहा था कि भाई ओमिक्रॉन उतना सीवियर नहीं है ठीक है तो कुछ स्टडीज में ये बताया गया फॉरेन के जो स्टडीज है उसमें कि ओमिक्रॉन में जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो अप्रोक्सीमेटली फोर है मीन्स सौ में से चार लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं बट जो डेल्टा वेरियंट था उसमें सौ में से लगभग पंद्रह सोलह लोग हॉस्पिटल जा रहे थे मीन्स उसका फोर्थ है इसका मतलब यह नहीं कि इसका सीवियरिटी जीरो परसेंट है ऐसा नहीं है सौ में से चार लोग अभी भी हो रहे हैं और तब सौ में से सोलह लोग हो रहे थे तो अल्टीमेटली देखा जाए तो नंबर ऑफ केसेस जो ओमिक्रॉन का स्पीड है उसके हिसाब से जो प्रीवियस में इंडिया में केस गया था अप्रोक्सीमेटली चार लाख का केस गया था एक दिन में जो हाइस्ट पीक में गया था और इस ओमिक्रॉन का जो स्पीड है उसके हिसाब से चार लाख से तो डेफिनेटली क्रॉस कर सकता है हो सकता है एक मिलियन भी केस आ जाए एक दिन में बारह लाख पंद्रह लाख भी केस आ सकते हैं कोई कह नहीं सकता कि कितने आएंगे तो आप ये मत सोचो कि भाई ये सीवियर नहीं है और हमें प्रिकॉशन नहीं लेना पड़ेगा होगा तो भी हम ठीक हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है आप प्रॉपरली प्रिकॉशंस लो आप मास्क वगैरह पहनो अभी मैंने देखा कि भाई मतलब बहुत लोग अभी ना उतना सीरियस है ही नहीं यार कब सीरियस हो गे? हो जाओ सीरियस सेकेंड वेव देख लिया है फर्स्ट वेव देख लिया है ये थर्ड वेव आ चुका है सो बी सीरियस और आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगा स्पेशली ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई करने में थैंक यू सो मच